हेलो बच्चों, वेलकम टू M2L। आज का हमारा जो वीडियो है वो है बच्चों क्लास एट्थ के लिए। क्लास एट्थ का जो साइंस है उसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास एट्थ के बच्चों बी रेडी। आपका जो पहला चैप्टर का टॉपिक से हम देख लेते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यानी कि फसल जो होती है वो फसल होती क्या है, फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है और उसका प्रबंध कैसे किया जाता है। मतलब कि फसल जब उग जाती है उसे काट लिया जाता है, उसके बाद उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसको कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, इसके बारे में ये आपका चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज। चलो जैसे यहाँ पर देखो, चैप्टर की शुरुआत में उन्होंने कहानी दी हुई है। जैसे ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल। अब एक ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं, और दूसरे ने कहा कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक तो होता है, लेकिन अब क्या है कि सबको भोजन की आवश्यकता होती है, ये सब आप जानते हो, ठीक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं, जो मानव होते हैं, उनको तो खाना उगाना पड़ता है ना। खाना उगाना पड़ता है, फिर उसे काटना पड़ता है, फिर उसे बनाना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें हम अपना भोजन जो है वो जंतु से और पेड़ों से, दोनों से प्राप्त करते हैं, है ना। इंसान तो दोनों खाते हैं ना, तो दोनों से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो शुरू किया इन्होंने, ये हमें बताया है कि कृषि पद्धतियाँ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कृषि पद्धतियाँ होती हैं बच्चों कि कृषि किन किन तरीकों से की जाती है, कृषि की जो काम है, कृषि करने का जो तरीका है, खेती करने का जो तरीका है, वो क्या क्या होता है। अब वो कह रहा है, सबसे पहले तो उसने बताया कि फसल क्या होती है। फसल होती है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। बच्चों आपने कभी भी जब कभी गांव देखा होगा तो आपने देखा होगा कि गांव में बड़े बड़े एक काफ़ी बड़ी ज़मीन पर सिर्फ गेहूं ही गेहूं हैं, काफ़ी बड़ी ज़मीन पर सिर्फ फूल ही फूल आए हुए हैं, काफ़ी बड़ी ज़मीन पर केवल सेब ही सेब लगे हुए हैं, आम लगे, आम के बाग होते हैं तो सिर्फ आम ही आम लगे हुए हैं। तो वो जब बहुत बड़ी ज़मीन पर जब एक ही फसल, एक ही चीज़ उगाई जाती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि देखो, जैसे कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सारे पौधे गेहूं के, मतलब एक प्रॉपर जमीन ले ली, एक पर्टिकुलर जमीन पर जितने भी पौधे होंगे वो सारे गेहूं के होंगे, मतलब कि वो गेहूं का खेत है, यानी कि यहाँ पर गेहूं की फसल उगाई जाती है, ठीक है। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, अन्न, सब्जियां, फल। हमें पता है कि अन्न भी उगाया जाता है, जैसे गेहूं उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है, जौ उगाया जाता है ना। सब्जियां उगाई जाती हैं, हर तरह की सब्जी उगाई जाती है, और फल उगाए जाते हैं, आम, सेब, केला, सब उगाया जाता है। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं। अब क्या है, मौसम के हिसाब से फसलें उगाई जाती हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप जब फल खाते हो या सब्जी खाते हो, आप हर सब्जी जो है ऐसी हर कोई सब्जी नहीं होती है जो आपको हर मौसम में मिल जाए। जैसे कि आप अपने घर में देखते हो कि आपको कोई भी ऐसी सब्जी ले लो जो आपको सर्दियों में मिलती है लेकिन गर्मियों में नहीं मिलती, ठीक है। जैसे अरबी है, अरबी आप गर्मियों में खाते हो, सर्दियों में नहीं खाते हो, है ना। आपको और टेस्ट भी अलग अलग होता है। आप गोभी अगर गर्मियों में खाओ तो अलग होता है और सर्दियों में खाओ तो अलग होता है ना। तो क्या होता है कि जब ये उगाई जाती है ना, तो किसान को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मौसम के अनुसार वो फसलों को उगाए। क्या होता है कि कुछ कुछ फसलों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उसे वर्षा ऋतु में उगाया जाएगा, है ना। कुछ में धूप की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो गर्मियों में उगाया जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि मौसम के अनुसार फसलों का वर्गीकरण कर दिया जाता है कि किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाएगी। अब क्योंकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी परिस्थितियों को देखते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब कैसे, उनको मोटे तौर पर दो वर्गों में बांट दिया जाता है। कौन से दो वर्गों में बांट दिया जाता है बच्चों? एक होता है आपका खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। अब खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल होती है वो फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, कि जो बारिश के दिनों में बोया जाएगा, यानी जिसमें पानी की ज़्यादा, जिसे उगने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अब इंसान तो इतना पानी दे नहीं सकता ना, बार बार कैसे जाएगा पानी देने। तो क्या होता है कि बारिश होती है तो उसमें अपने आप पानी पड़ जाता है, तो उसकी पानी की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाती है। तो जिस फसल को उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, इसीलिए उसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है। बारिश में, भारत में वर्षा ऋतु कब आती है? जून से लेकर
सितंबर तक। और ये फसलें कौन सी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए? ये होती हैं धान, जिनके चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। चलो रबी की फसल, रबी की फसल होती है शीत ऋतु में, यानी कि सर्दियों में उगाई जाती है। अब रबी की फसल सारी होगी वो सर्दियों में उगाई जाएगी, क्योंकि उसमें ना तो बहुत ज़्यादा धूप चाहिए ना बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए। तो वो कौन सा टाइम होता है? अक्टूबर से मार्च तक। इसमें जो फसलें उगाई जाएंगी उनको रबी की फसलें कहते हैं। जैसे कि कौन सी फसलें हुई? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण है। बच्चों ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फसलें जो होती हैं वो कौन से मोटे दो वर्गों में बांटी जाती हैं ये आपको याद रखना है। ये मैं कहूँगी आप नोट कर लें, क्योंकि आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वो आधारित फसल पद्धतियाँ कौन सी हैं। वो कह रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्यों? क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हमने अभी पढ़ा ना कि ऐसी फसलें जिनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है उन्हें ही वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। अब शीत ऋतु में उगाओगे तो इतना सारा पानी कहाँ से लाओगे, है ना? हर वक्त तो पानी नहीं अवेलेबल हो सकता, और हर वक्त इंसान खेत में भी नहीं खड़ा रह सकता कि भाई पानी देने के लिए। इसीलिए केवल वर्षा ऋतु में ही धान को उगाया जाता है। अब फसल उगाने के लिए किसान को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि एक बार भाई बीज बो दिया उसके बाद सीधा फल ही निकलेगा, है ना? उसमें बहुत टाइम लगता है बनने में पूरा उसको, तो उसको बीच में कई काम करने पड़ते हैं। फसल बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के बीच में बहुत सारे काम होते हैं जो किसान को करने पड़ते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं कृषि पद्धतियां। वो कौन कौन सी होती हैं? पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। ऐसे ही सीधे किसी भी मिट्टी में जाके फर्स्ट बीज नहीं बो सकते ना, तो पहले उसे मिट्टी तैयार करनी पड़ती है बीज बोने के लिए। फिर उसे बुआई करनी पड़ती है, यानी कि बीज बोया जाता है, फिर खाद और उर्वरक दिया जाता है, मतलब उसमें खाद दी जाती है ताकि उसको पोषक तत्व पूरा पूरा पौधे को मिल सके। उर्वरक जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उर्वरक भी डाला जाता है। फिर सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है पौधे में, है ना? आप देखते हो रोज पौधों में पानी देते हैं ना, तो पौधों में पानी दिया जाता है। फिर खरपतवार से सुरक्षा की जाती है, यानी कि जंगली घास ना उगाए, कीड़े मकोड़े उसे बर्बाद ना कर दें, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद तब जाके जब फसल उगती है तब उसकी कटाई की जाती है, और फिर उसका भंडारण यानी कि उसको सींच कर उसको संभाल कर रखा जाता है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना पड़ता है। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला चरण होता है, ठीक है? बीज बोने से पहले भी किसान को सबसे पहले उसकी मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। अब क्यों? आपको सबको पता है कि हम पौधों को जीवित मानते हैं, पौधे सांस लेते हैं हम ये मानते हैं ना, क्योंकि पौधे खाना बनाते हैं, पौधे सांस लेते हैं, पौधों को जीव ही माना जाता है। अब क्योंकि पौधों को जीव माना जाता है तो पौधों को भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। अब आप मिट्टी में बीज बो के उसको पूरी तरह से दबा दोगे, एकदम जोर से दबा दोगे, तो वो सांस कहाँ से ले पाएगा बीज? उसको जो हवा ही नहीं मिलेगी, धूप कहाँ से मिलेगी उसे? ना धूप मिलेगी उसे, ना हवा मिलेगी, बस पानी पानी मिलेगा, वो भी पता नहीं कितना पहुंचेगा कितना नहीं पहुंचेगा, है ना? तो इसलिए मिट्टी को पोला बनाया जाता है। पोले का मतलब यह है कि मिट्टी में आप अपने हाथ डालकर, कभी आपने देखा होगा ना कि हम हाथ डालकर खोदते हैं मिट्टी को, खोद के फिर उथली उथली हो जाती है मिट्टी, है ना? तो दरदरी सी हो जाती है, तो उसको कहते हैं मिट्टी को पोला बनाना। तो मिट्टी को उलट पलट कर उसे पोला बनाया जाता है, ताकि उसमें जब बीज बोया जाए तो बीज बोकर ना ऐसे थपथपाते नहीं है कभी भी, बीज सिर्फ डाल दिया जाता है। ऐसी मिट्टी को पोला किया और उसमें बीज डाल दिया जाता है, तो इसलिए मिट्टी को पोला किया जाता है ताकि बीज को जो है वो बाहर निकलने के लिए, वो सांस लेने के लिए उसको जगह मिल सके। तो इस तरह से मिट्टी को तैयार किया जाता है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि मिट्टी को और पलटकर पोला कर देते हैं और ह्यूम्स बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? वो कह रहा है कि जब मिट्टी पोली हो जाती है ना, तो उसमें जो केंचुए वगैरह रहते हैं या जो छोटे मोटे कीड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं? ह्यूम्स बनाते हैं। ये भी किसान के मित्र ही होते हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाते फसल को ये, बल्कि फसल को, क्योंकि ये अंदर अंदर बाहर आते जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि पौधे को सांस मिलती रहती है, पौधे को पानी अच्छा मिलता है, पौधे को धूप अच्छी मिलती है, जड़ों को मजबूती मिलती है, तो इसलिए किसान के मित्र होते हैं ये। अब मिट्टी को पोला बनाना, वो दोबारा बता रहा है कि मिट्टी को पोला बनाना क्यों जरूरी है। वो कह रहा है कि मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। अब मृत जीवों में क्या होता है कि मिट्टी में जो मृत जीव होते हैं, मृत जीवों में जो पोषक तत्व तो पाए जाते हैं वो भी मिट्टी को पोला करने से जो है वो मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधे को पहुंच जाते हैं।
क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अब जो कि मृतक मृतक जीव होंगे या उनके जो पोषक पदार्थ होंगे वो मिट्टी में नीचे दबे होंगे। अब जब मिट्टी को पोला कर देते हैं, उसको उलटते हैं पलटते हैं, उससे क्या होता है, वो पोषक तत्व जो है ऊपर आ जाते हैं। जब वो पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम पूरा बिल्कुल अंदर तक तो बीज को बोते नहीं है, हम सिर्फ बीज को डाल देते हैं, यानी कि कुछ सेंटीमीटर तक ही बीज जो है वो मिट्टी के अंदर जाता है। तो वही वहीं पर से उसकी जड़ बनेगी और वहीं पर से पौधा बाहर निकलेगा। तो वो मिट्टी का कुछ सेंटीमीटर ही होता है जो पौधे को बढ़ने में सहायक होता है। अब पोषक तत्व अगर उस परत तक पहुंच जाते हैं, उस कुछ सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं, तो पौधे को बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है और पौधा जो है वो पोषक पदार्थों का उपयोग आराम से कर लेता है। इसलिए मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जुताई। अब मिट्टी तैयार तो कर ली, लेकिन मिट्टी जब तैयार करी जाती है तो मिट्टी तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें हम मिट्टी को पोला करते हैं, उलटते पलटते हैं, उसको कहते हैं जुताई। ये कैसे करते हैं जुताई बच्चों? ये करते हैं हल चलाकर। आपने कभी देखा होगा हल चलाते हैं, तो हल चलाकर क्या करते हैं, हल में यहाँ देखिए ये हल होता है, हल में एक ये दिया होता है, ये जो होता है ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये मिट्टी में आपका दब जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये मिट्टी में गड़ा हुआ होता है इस तरह से, देखो यहाँ पर ये मिट्टी में गड़ा हुआ होता है। जैसे जैसे किसान आगे बढ़ता जाता है, इस तरह से आगे जब चलता जाता है, तो ये जानवर इसको आगे खींचते हैं, बैल इसको आगे खींचते हैं, तो क्या करता है, ये मिट्टी को पोला करता हुआ चलता है, ये मिट्टी में लाइन बनाता हुआ चलता है, जिससे कि मिट्टी जो है वो उथली हो जाती है, मिट्टी उलटती पलटती रहती है। ये पूरे खेत में कई बार चलेगा, पूरे खेत में कई बार राउंड लगाने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो उथली हो जाती है और पोली हो जाती है, उलट पलट के जो है वो ऊपर आ जाती है, भुरभुरी हो जाती है। हल लकड़ी या लोहे का भी बना सकता है, मतलब हल लकड़ी का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई करने से पहले से पानी देने की आवश्यकता ही पड़ सकती है। यदि मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो किसान को पहले उसे पानी देना पड़ेगा, क्योंकि वो मिट्टी को उपयोगी बनाने के लिए उसका थोड़ा सा गीला होना भी ज़रूरी होता है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इसे एक पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। अब कई बार क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त होती है तो उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, तो वो मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों में बीज तो नहीं बोया जा सकता। तो किसान क्या करता है, उसको पहले पीट पीट कर उसे टुकड़े करेगा उसके, उसको प्रॉपरली भुरभुरा बनाएगा, उसके बाद फिर उसमें कुछ पानी देगा, फिर उसके बाद उसकी जुताई की जाती है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना जरूरी होता है, ये कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, कभी कभी क्या करते हैं कि बीज बोने से पहले ही उसमें खाद डाल देते हैं, मतलब कि पहले अगर मिट्टी ऑलरेडी पोली है और अच्छी मिट्टी है तो उसमें पहले से ही खाद डाल देते हैं, उसके बाद अगर उसमें जुताई करते हैं ना, उसके बाद अगर मिट्टी को उलट पलट करते हैं और उसको पोला बनाते हैं, तो क्या होता है कि खाद्य पदार्थ जो खाद होती है वो सारी मिट्टी में मिल जाती है, अच्छी से मिल जाती है, तो जिससे क्या होता है बीज जब बोया जाता है तो वो और ज़्यादा हेल्प करता है कि पौधा जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ेगा। अब कृषि के औजार क्या होते हैं? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है, मैं आपको बता चुकी हूँ अभी अभी, है ना। ये कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, कई तरीके से किया जाता है, हल से किया जाता है, कुदाली से और कल्टीवेटर से किया जाता है। तो हम हल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये वाला आपका हल होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई के लिए किया जाता है, खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है और मिट्टी खुरचने के लिए भी किया जाता है। मिट्टी सख्त होती है, टाइट होती है, तो खुरचने के लिए भी किया जाता है। ये औजार लकड़ी का बना होता है, जिससे बैलों की जोड़ी, अन्य पशु, घोड़े, ऊँट, मतलब कि यहाँ बैल खींच रहे हैं ना, तो ये घोड़े और ऊँट भी खींच सकते हैं, दूर कोई भी जानवर इस्तेमाल किया जा सकता है जो ताकतवर हो। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं, ये वाली जो मैंने आपको बताई, ये जो होती है ये फाल होती है, जिसे लोहे की पत्ती कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। देखो कहाँ है आपका हल शाफ्ट, ये आपका हल शाफ्ट है, ये वाला, ये आपका हल शाफ्ट होता है, जो मजबूत पार्ट होता है, जो पूरे जो उसको खींचता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। अब देखो ये तो हैंडल हो गए इसके, ठीक है, और एक क्या है, हल के सिरे पर दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिससे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक तो ये आपका सपोर्ट हो गया और एक यहाँ पर ये इसको बैलों के कंधे पर इस तरह से रख दिया, जिससे बैलों की गर्दन के ऊपर रख दिया। अब एक जोड़ी बैल और एक आदमी से सरलता से आसानी से खींच लेता है। आजकल हम लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं, मतलब कि अब तो लकड़ी के पुराने हो गए, अब तो ज्यादातर लोग लोहे का हल ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आ गया आपका कुदाली। ये एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है, जिसे एक सिरे से लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, इस तरह देखो,
ये आपका पकड़ होती है, जहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है, ये जोत होती है और ये छड़ होती है, ये इसका हैंडल है, ये इसकी पकड़ है, यहाँ से पकड़ते हैं, ये इसका जोत है और ये इसकी छड़ है, ठीक है, ये इसकी मुड़ी प्लेट है जो एक्चुअली में खुदाई करेगी, जो जुताई का काम करेगी ना, ये वो प्लेट है। अब जिसकी एक सिरे पर लोहे की चोड़ी और मूली प्लेट होती है और दूसरा ब्लेड की तरह काम करती है, ये वाली जो है ना, ये ब्लेड की तरह काम करती है, इसका दूसरा सिरा पशु के द्वारा खींचा जाता है, ये वाला, ये जो है ये पशु के द्वारा खींचा जाता है और यहाँ पर से जुताई होती रहती है और ये आदमी पकड़ लेता है, ठीक है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या हो गया, कल्टीवेटर बच्चों, एक तो ये ट्रैक्टर, ये कल्टीवेटर नहीं है, कल्टीवेटर है ये देख रहे हो आप, हल्के जो ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है, ये कल्टीवेटर है। इसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर चलाते रहेंगे और पीछे ये जो कांटेदार संरचना है, ये इस तरह कांटे वाला बना होता है, ये जैसे फोर्क होता है ना, आपके पास फोर्क होता है, कांटा जो नूडल खाने वाला कांटा होता है, उसको अगर आप मिट्टी में चलाओ तो किस तरह से मिट्टी के चार वो लाइनें बनती चली जाती है ना, इस तरह से जुताई होती है, ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे होता है। तो ट्रैक्टर के द्वारा जब इसे खींचा जाता है ना, तो पूरे जो खेत में उस एरिया की जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे पलटती उलटती है और पोली हो जाती है, जिससे कि जुताई आसानी से हो जाती है, जिसमें श्रम और समय दोनों की बचत होती है, क्योंकि ट्रैक्टर है तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ट्रैक्टर चला लेते हैं और पीछे से अपने आप ये जुताई होती रहती है। अब आ जाती है बुआई, बुआई का मतलब यह है कि बीज बोना है, फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है ना। अब बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले और साफ स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है, किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अब क्योंकि बीज बोना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा किसान को कि अच्छी किस्म का बीज होना चाहिए, है ना, क्योंकि खाली मिट्टी पोला करने से तो काम नहीं चलेगा ना, बीज भी अच्छा होना चाहिए। तो किसान को इस बात का पहले चयन करना होता है कि वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ले, ताकि वो आसानी से उग सके और अच्छी फसल आ सके। कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी, अब किसान ये कैसे चयन करेगा कि कौन सा बीज अच्छा है कौन सा बुरा है। अब जैसे उन्होंने गेहूं का एग्जाम्पल दिया, गेहूं के एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बताया है कि मान लो कि आप एक मुट्ठी गेहूं लो और एक मुट्ठी गेहूं को अगर आप गिलास में आधा गिलास पानी भर लो और उसके अंदर आप गेहूं डालो, तो कुछ गेहूं आप देखोगे कि तैरने लग जाएगा पानी के ऊपर और बाकी नीचे बैठ जाएगा। तो जो पानी के ऊपर तैर रहा है वो गेहूं अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो गेहूं खराब हो जाता है वो खोखला हो जाता है, खोखला होने की वजह से वो हल्का हो जाता है और पानी पर तैरने लगता है। और जो अच्छा गेहूं होता है वो क्या होता है कि वजन की वजह से और स्वस्थ होने की वजह से जो भारी होता है और इसलिए पानी में नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे जो है वो अच्छे से बीज का चयन किसान कर लेता है, ये बीज का चयन करने का अच्छा तरीका होता है। अब बुआई करने का कौन से औजार होते हैं, एक तो ये परंपरागत औजार है बच्चों, ये देखो ये औजार दिया हुआ है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर से बीज डाला जाता है, यहाँ पर जो होता है वो बीज डालते जाते हैं और ये इसका हथियार होता है, यहाँ पर इसमें देखो ये पाइप बना हुआ है ना, इस पाइप के थ्रू जो है वो पोली जो मिट्टी है उसके अंदर धीरे 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 यहाँ पर बीज जो है वो बोता चला जाता है और ये इसको आगे खींचते चले जाते हैं बैल, ये परंपरागत औजार है। इसमें बीजों की बुआई में इस्तेमाल करने वाला औजार कीप के आकार का होता है, ये हमने कीप बता दी, ठीक है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये दो या तीन नुकीले सिर वाले पाइप से गुजरते हैं, ये वाले नुकीले सिर वाले पाइप हो गए ना, इससे गुजरता है, ये सारे मिट्टी को भेद कर जमीन में बीज को स्थापित कर देते हैं, मतलब कि जमीन में बीज को बो देते हैं। उसके बाद आता है आपका सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल। अब एक तो हमने करा था कि ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करता है वो इस तरह से, कि जो पीछे कांटे की तरह होता है, ये भी कांटे की तरह है लेकिन ये साथ में क्या करता है, बीज भी बो देता है। इसमें क्या करते हैं कि बीजों को समान दूरी और गहराई बनी रहती है, ये देखो पर समान दूरी बनी हुई है, बिल्कुल समान दूरी पर है। अब क्या होता है कि ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाए, इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने पर समय श्रम, ये भी ट्रैक्टर चलाया जाता है तो टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है। अब इसमें क्या होता है कि ये साथ साथ सिर्फ बीज बोता नहीं है, ये साथ साथ बीज को बोने के साथ साथ ढक देता है, जिससे कि क्या होता है, जो पंछी होते हैं वो पक्षी जो है वो बीज को खाते नहीं है और जो मिट्टी में जो है बीज बना रहता है, ठीक है। पौधों को अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी बनानी जरूरी है, हाँ ये भी बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जब बीज बोया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि बीज बहुत पास पास ना बोए जाएं, इस बात का किसान स्पेशली ध्यान रखता है कि बीज बहुत पास पास नहीं बोने हैं, अगर बीज बहुत पास पास बोए जाएंगे तो उनको जो एनर्जी चाहिए, जो पानी चाहिए, है ना, जो सांस चाहिए, वो जो है वो दो पौधों के बीच में ज़्यादा हो जाएगी, तो कोई भी दोनों में से कोई भी पौधा जो है वो अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए एक निश्चित दूरी बनाकर ही पौधों को, बीजों को बोया जाता है,
जिससे कि उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। देखो यहाँ पर लिखा है ना, पोषक तत्व, जल, सूर्य का प्रकाश सब पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है अगर जो बीज जो है वो एक निश्चित दूरी पर बोए जाते हैं। अधिक घनेपन के लिए पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है, या मान लीजिएगा अगर कोई बीज पास में डल भी गया तो वहां से क्या करते हैं कि उस पौधे को निकालकर अलग जगह लगा देते हैं, जिससे कि बीज के बीच की दूरी जो है वो ठीक हो जाती है। खाद और उर्वरक मिलाना, अब तीसरा क्या काम था कि खाद या उर्वरक मिलाना उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पौधे की ना, ताकि बहुत अच्छे से उसकी फसल जो है वो निकल सके, उग सके। वो पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक। यानी कि जिन चीज़ों को, जिन पदार्थों को मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाने के लिए, यानी कि फसल और अच्छे से उग पाए, पौधे की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाए, जो पौधे की क्वालिटी है, जो जो उसमें फल आएगा या सब्जी आएगी उसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाए, उसके लिए खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत के एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। अब मिट्टी का कह रहा है कि मिट्टी जो है वो फसल को खनिज पदार्थ प्राप्त करती है, क्योंकि मिट्टी में हमने देख लिया कि पोषक तत्व बहुत होते हैं, तो वो पौधों, फसल को खनिज पदार्थ मिलते हैं उससे। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए बहुत सहायक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं, मतलब कि खेत को कभी खाली नहीं छोड़ते। एक फसल उगाई, उसके बाद दूसरा मौसम आया दूसरी फसल उगाई, फिर उसके बाद दूसरा मौसम आया दूसरी फसल उगा दी। तो अब ऐसे में पोषकों का क्या होता है, फसलों के लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते रहते हैं, ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अब कई बार क्या करता है किसान, एक के बाद एक फसल उगाता रहता है, ठीक है, एक फसल खत्म हुई दूसरी उगा दी, दूसरी फसल खत्म हुई। अब मिट्टी में तो नहीं पोषक तत्व है, अब जैसे जैसे वो एक के बाद एक फसल उगाता जाएगा तो मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होते जाएंगे। तो इसके लिए किसान क्या करता है कि उन पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए वो ऊपर से खाद और उर्वरक पदार्थ मिला देता है, ताकि जो मिट्टी की जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाए। खाद एक कार्बनिक पदार्थ, अब ये बता रहा है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि खाद क्या होता है। खाद क्या होता है बच्चों, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है जो कि पौधों और जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। हमने देखा है कि हमने छोटी क्लासेस में 5th या 6th में हमने पढ़ा हुआ है कि खाद कैसे बनाई जाती है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पौधों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर जंतु अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सबको जमीन में दबा दिया जाता है, और जमीन में दबाए रखने से वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसान पादप या जंतु अपशिष्टों को गड्ढे में डालते जाते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, गड्ढे में डाल देते हैं और इसका अपघटन होने के लिए उसे खुले में छोड़ देते हैं। धीरे धीरे जब अपघटन होता रहता है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन होने के बाद जो है ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसे जो है वो पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल करता है किसान। अब यहाँ पर इन्होंने एक प्रयोग किया है, मूंग और चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित करना है। एक ही आकार वाले छांट लीजिए, अब 3 गिलास और एक ही पात्र लीजिए, ABC निशान लगाइए। ये चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि ये हमने डाल लिया, उसमें समान मात्रा में यूरिया मिला दिया, glass C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर, मतलब एक में हमने यूरिया मिलाया, एक में गोबर की खाद मिलाई और एक में कुछ नहीं मिलाया। अब वो कह रहा है कि उसके थोड़े दिन बाद आपको नोट करना है कि फसल में क्या हुआ। क्या तीनों गिलासों में पौधों की वृद्धि की गति एक समान है? ये देखो, ये तीनों में हो गए, सबसे अच्छा किस में होगा? इसमें है ना, और उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। अब वो कह रहा है कि किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिले हुए होते हैं जो कि पौधे को बढ़ने में सहायक होते हैं। ये खाद से कैसे अलग अलग है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। अब यहाँ तो इसने खाद बनाई है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, ये फर्क है बच्चों। सबसे पहला खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थ है। क्यों? उर्वरक जो है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, वो आपका उद्योगों के थ्रू फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इसके उदाहरण क्या होते हैं बच्चों? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम। इसके उपयोग से किसान को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लेकिन उर्वरक की आप क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के रसायन का अत्यधिक उपयोग जो है वो मिट्टी की जो प्राकृतिक क्षमता होती है उसको खत्म कर देता है, उस पर उल्टा प्रभाव डालना शुरू कर देता है, उसकी उर्वरता जो है होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से जल प्रदूषण के भी स्रोत बन जाता है ये, क्योंकि भाई मिट्टी में कमी आ जाती है तो फसल को उगने में दिक्कत होती है ना। इसलिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उसमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा उर्वरक इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर उर्वरक
है आपके पास और जैविक खाद है तो जैविक खाद इस्तेमाल करिए, जैविक खाद नहीं है तो उर्वरक का इस्तेमाल उसकी जगह किया जा सकता है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण की क्षमता में भी वृद्धि होती है। अब खाद जब इस्तेमाल की जाती है तो मिट्टी के गठन और जल अवशोषण, मतलब कि खाद जब इस्तेमाल की जाती है तो मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो जल का और अच्छे से अवशोषण कर पाती है और पौधे को और ज़्यादा पोषक तत्व दे पाती है, इससे कि मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति जो है वो हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति करने का अन्य तरीका है फसल चक्रण। वो कह रहा है कि मिट्टी में पोषक तत्व आपको अगर पूरे करने तो इसके एक और तरीका है फसल चक्रण कर लीजिए। फसल चक्रण क्या होता है बच्चों? फसल चक्रण होता है कि एक खेत एक फसल की खेती करने के बाद दूसरी फसल की खेती करना लगातार, मतलब वही खेत को खाली ना छोड़ना कि एक फसल उगा ली उसके बाद आप दूसरी फसल उगाइए फिर उसके बाद तीसरी उगाइए। अब यहाँ देखो ये बता रहा है कि पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु के रूप में उगाते थे और गेहूँ दूसरी ऋतु में, मतलब कि एक ऋतु में फल उगा लिया फिर दूसरी ऋतु आई फिर गेहूं उगा लिया, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता है। ठीक है, तो फसल चक्रण से क्या होता है कि जो एक फसल को उगाने में मिट्टी में कमी आ गई वो दूसरी फसल से पूरी हो जाती है। किसानों को यही पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछली कक्षा में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं आप। ये फलीदार पौधों को जड़ों की ग्रंथि में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब कि ये वायु जो मिट्टी में नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करके पौधों में और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पर इसने उर्वरक और खाद में डिफरेंस बता रखा है कि उर्वरक और खाद में क्या फर्क होता है। देखो उर्वरक मानव निर्मित है क्योंकि कृत्रिम होता है, ठीक है, ये कृत्रिम है आपका, और ये जो है प्राकृतिक पदार्थ है, इसको हम अपशिष्ट पदार्थों से बनाते हैं, है ना। और फिर उर्वरक एक उत्पादन फैक्ट्री में होता है, ये हमने पढ़ लिया, उर्वरक फैक्ट्री में उत्पादन होता है और जो खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि खाद में क्या होता है कि वो केंचुओं के लिए भी सहायक होती है ना, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ से बनी होती है तो जो केंचुए वगैरह होते हैं जो ह्यूमस बनाते हैं वो मिट्टी से बाहर आते जाते रहते हैं जिससे मिट्टी को ज़्यादा हवा मिलती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होते हैं और खाद में जो है वो पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इसमें जो है रासायनिक पदार्थ हैं तो रासायनिक उर्वरता बढ़ाने वाले जो पोषक पदार्थ हैं वो ज़्यादा होते हैं उर्वरक पर, लेकिन खाद में उतने नहीं होते हैं। अब वो कह रहा है कि खाद के लाभ क्या क्या होते हैं। जैविक खाद जो है वो उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पर तो इसने बता दिया कि उर्वरक फायदेमंद तो होता है क्योंकि इसमें भाई जल्दी फायदा देता है और ज़्यादा फायदा देता है, लेकिन फिर भी खाद क्यों ज़्यादा, खाद क्यों पहले इस्तेमाल करनी चाहिए, खाद उसके मुकाबले अच्छी क्यों बताई गई है, इस क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो मिट्टी के अंदर जल को सोखने की सींचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है खाद से। फिर दूसरा क्या है, इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंद्र हो जाती है, क्योंकि खाद भी इस तरह से भुरभुरी एक तरह से भुरभुरी ही होती है। तो क्या होता है वो मिट्टी में जब मिलती है ना तो मिट्टी की जो भुरभुरी होती है ना तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए अच्छा रहता है, उसको सांस लेने में या श्वसन में बड़ी आसानी हो जाती है पौधे को, जिससे गैस विनिमय आसानी से हो जाता है। फिर इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब क्योंकि खाद अपशिष्ट पदार्थों से बना है तो मैं बोल रही हूँ ना कि मित्र जीवाणु यानी कि केंचुए हो गए, जितने आपके ऐसे पदार्थ ऐसे जी के कीटाणु जीवाणु हो गए जो मिट्टी में घूमते रहते हैं लेकिन मिट्टी में अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, तो क्या होता है कि मिट्टी में जो हवा होती है वो अच्छे से पहुंच जाती है। इससे जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है, इससे मिट्टी जो है वो बेहतर हो जाती है, मिट्टी भी बेहतर हो जाती है। इससे जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता रहता है। अब जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो सिंचाई से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ पर चैप्टर समझ आया, आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको अगर कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक कीप स्टडिंग।